वर्णिस किचन यूट्यूब चैनल के दत्त हेम दिन आदरें पीलिगनवा यदि मैं अंदर कीलिए नराक प्रयोजन गन्न बेरी केसल गुडाक रासरी बनाना हलवा हदन अटी इधम केसल हलवा की मस्कटे सामान कैम मेक अपने प्रधान अमद्रव्य तुनक हदगन पुला गुडाक पहास वेंग बल मे गुडाक रासवा बनाना हलवा कोमद हदान कीला यदि वाले पेन वैंती मम्म हल हदान अरगन तीन केसल गुडाक इधला प्रयोजन गण बेरी मटम तीन कीला नमूद मेकिंग अपने गुडाक रासट बनाना हल हदागन पुलवा मेतन केसल ग्राम हसिया तीन वैंती केसल मे तरह मीदन का नोने मीट पड़े अड्डू मटमेट केसल मेक हदान पुलवा एट तेरव सीनीग्राम देशीय पना करगन तीन पोलती मेस तुना पावच करवा इत मेन मेतन तम बनाना हल्लू अदान पावचिकर अंदे मेतन इतर पावचिकलाट निवर विधि बनाना हल्लू अदागन पुलवा इत मेदे वाल अमदर मम पोलकिरीप अल कड़गन तेनवा एवागेम काजुटिका सह काम पउडर का कड़गन तेनवा इत मेदे वाल टोटली ऑप्शनल मकद मेक रसवात्कर विरा मम मेतन पावचिकर अंदे इतने सुप्रद विधेयट वीडियो आधार रेसीपी का वीडियो पल्ली इंफो बॉक्स के तेनवा इतनी रेसीपी कौगलो इवागे मगोन तवाद्यापैदली मेवागे इधला वैड के तीन इक गुडाक नरकन कलिंग मेन मे विधि पुतवे प्रोसन करना मिल्कशेक इवागेम स्मूति अदा पावचिकर पुलवा मैं मुलिमकान केसल पुत मे मे विधि इवत्कर वाला मेतन ओनम केसल वर्ग पावचिकर पुलवा इत मैं मुलराटना वीडियो बला आदर मैं चाने पीलिगनवा इवागे मोयाम सब्सक्रैब करना वितरा मे वीडियो की पल्ले रथ पर सब्सक्रैब बटन के सह ए लंगिम तीन पुंच बेल ऐकनी क्लिक करना ये वेद अलुत्वेदियो मिस्सन नोट नरबा पुलवा मे तीन मैं ये विधि पुत इवत्कर केसल टीक इलाट मंका मेवागे ब्लैंड जाहेक दाक हम ब्लैंड करवा मेतन एवं ब्लैंड करते केसल टीक इलाक मंकराने हलवे हदागन बाजी मेक दागनवा हलवे हदन पावचिक बाजी इडक तीन मेक हंदगा पास इलाकड़ सीन ग्राम पन हक इतरी करना इतरी सीन मेक दागनवा इलाकड़ मैं पोलकिरी एकतुकारी मंगे मुल सदाक पोलकिरी नैकि प्रश्न मकदमे केसल तीन वतरगति प्रमाणवा मे हलवे हदन इलाकड़ हल्ला मिश्री मे विधि लिपेन तीयागन नुन मत हंदगा मे हदागनों मेक हदार्दे लिपे गिंदर अनिवार्य वेदगा सामान्य लिपे गिंदर मध्य मट्ट मेत मैं तीयगा गिंदर गुडाक वैडन मेके अदाल पदम का अपहास विनवा हलो मिश्रा हों नटन मट्ट एम इतरीकर सीनीग्राम पना विनाथ बाचनी गल हों कैरमल करवा सीन टेनम कैरमल कर हल्लो मिश्रा टेकर हल्वाके गुडा क्लास पाटक एनवा दंगल पेनते सीनी कैरमल के गुडाक लसन पटक एवेना के मंद मेक मे वेदी हल्ल मिश्रण दागनवा कैरमल लेक हल्ल मिश्रण एकतुकराधि हल्ल मिश्रण हों नटन मट्टी मैं तीयनोने कैरमल लेक हल्ल मिश्रण एकतुक मंद मे देखम हों मिश्रगरगानवा शुगर कैरमल लेक हल्ल मिश्रण दागत्र पसवा पेन वे हल्वा के गुडाक लसन पटक एवेना के सामान्य पे दोदल सामान पाटक इतने मैं मुल सदन करवागे मे हल्ला मिश्रण इतर हंदगा इवागे मैं लिपे गिंद्र गुडाकल को अवधान दिनोने गुडाक वेडर गिंदर अति हल्ला मिश्रण लिपे तीला विना पहालोक ओडर दकीन पुलावे एक तेगा तीन मेवीर हंदर बला गनकम तम व्याखरने वाले पेन वे मे हल्ल मिश्रण लिपेन तेला विना दहाटा विसाक गीतन डेंगे गनकम तवा तड़वीला तीन किलो वाल पेन वैती मिश्रण लिपेन तेला विना विसीपहक पेन वैती एक मेदिंग इराक मेक दिपैत्र वेगना वगे मम मे विला पोलते हतर वत वगे टिकेन टीके एकतुकानवा इधन पोलते घी बटर मे उनम पावचिकरा पुलवा तेलटिक उखम एकतुक इवना पास मंगे कुटागत कड़ मंगुटिक इवागेम खजुटिक एकतुकनवा इलाटे उखम हल्ल मिश्रण मेवेदे हों मिश्रकर गवा हल्ल मिश्रण लिपेन तेला विना हतली हकवा पेन वे एक हों गनक अविला इवागेम उखम एकम गुले मट्ट मट अविला तीन के मम मेवेदे मेवेदर ऑयल टिया स्प्रेकर तटिया क्लासकल तीन इधन तटिया ऑयल टिया खरी बटटिया खरी गाला तीयागा
මේ හල්ල මිශ්‍රණ ලිපෙන් තියලා විනාඩි 45ක් ගිය තැන ඉතින් හල්ල මිශ්‍රණ ලිපෙන් තියලා විනාඩි 45ක් වගේ යද්දී ඒක එක හැඩයකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මට්ටම තියෙනවා අන්න ඒ වෙලාවෙදී අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ ඊළඟට මම හල්ල මිශ්‍රණය මේ විදිහට ඇටි උඩින් දා ගන්නවා ඉතින් හල්ල මිශ්‍රණය නියම පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔක්කොම මිශ්‍රණය එකට එකතු වෙලා වැටෙන්නේ ඊළඟට මම හල්ල මිශ්‍රණය මේ විදිහට ඇටි හොඳින් අතුර ගන්නවා මේකට මේ වගේ ස්පැචුලා එකක් තියෙනවා නම් ඕකනේ ගොඩක් පහසුයි පහසුයි ඉතින් ඔය දකින්න ඇති හල්ලේ ගොඩක් පහසෙන් තැටියෙන් ගැලවිලා ආවා කියලා ඊළඟට මම මේක ඔයාලට කපලා පෙන්නන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මම මුලින්ම මේක මේ විදිහට කෑලි මාක් කරගෙන ඊළඟට කපා ගන්නවා ඉතින් මෙච්චර ලොකු වෙන්නත් ඕනේ නැහැ ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් මම මුලින් ඉවත් කරගත්ත කෑල්ලත් එක්කලා මට කෑලි 8කට මේක කපා ගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් මේ තියෙන මං ඒ විදිහට හදාගත්ත බනන හල්වා ටික ඉතින් ඔයාලට පේනද සාමාන්‍ය මස්කට් කෑල්ලක පිනුම තමයි තියෙන්නේ කියලා ඉතින් මේක හරිම රසයි වෙනස් රසයක් තමයි තියෙන්නේ ඔන්න දැන් ඔයාලට ඉදලා වැඩි වෙලා කරන්නම දෙයක් නැති විච්ච කෙසෙල් වලටත් කරන්න දෙයක් තියෙනවා දැන් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න ඒ වගේම ආගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැඩගත් රසවත් වීඩියෝකින් ආයේ හම්බ වෙමු